So hello everyone, in this video we are going to discuss about the fermentation media. So जो fermentation media होता है उसके अंदर different components होते हैं like macronutrients, micronutrients, trace elements, oxygen, vitamins, enzymes, inhibitors, etc. So जो components हैं medium के वो इस तरीके से होते हैं कि जो भी हम micro organism, देखो fermentation में क्या होता है कि जो भी like हमारे पास बायो रिएक्टर होता है, बायो रिएक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, फर्मेंटेशन मीडिया को डालते हैं, फर्मेंटेशन मीडिया डालते हैं प्लस में वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालते हैं. तो फर्मेंटेशन मीडिया प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फर्मेंटेशन प्रोसेस, क्योंकि इसके अंदर सारी कॉम्पोनेंट्स होने चाहिए जो कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड है फॉर इट्स ग्रोथ एंड फॉर इट्स मेटाबॉलिज्म. सो फर्मेंटेशन की अगर हम रिएक्शन देखें तो कार्बन प्लस नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस अदर रिक्वायरमेंट्स अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देते हैं तो दैट गिव राइज टू दी बायोमास प्लस प्रोडक्ट प्लस CO2 प्लस वाटर प्लस हीट. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ फर्मेंटेशन रिएक्शंस लाइक द बैच कल्चर, कंटिन्यूस कल्चर, डिफरेंस बिटवीन देम, सबमर्ज्ड फर्मेंटेशन एंड सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन. सो अगर आपने ये सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो बात करते हैं फर्मेंटेशन मीडिया की, तो फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज़ द वाटर. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी फर्मेंटेशन मीडियम. वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिंसिंग, कूलिंग, हीटिंग. अगर आपके फर्मेंटेशन मीडिया का टेम्परेचर बढ़ गया है तो हम वहाँ पर वाटर को ऐड करते हैं ताकि वो जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कराया जा सके, उसको नॉर्मल कराया जा सके. सो वाटर सभी फर्मेंटेशन प्रोसेसेस में रिक्वायर्ड होता है एक्सेप्ट द सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन. वहाँ पे हमें नेग्लिजिबल वाटर का रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही कम वाटर. मॉइस्चर तो चाहिए नहीं होता, बहुत कम मॉइस्चर चाहिए होता है, लेस देन 5%. तो सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन में क्योंकि जो सब्सट्रेट हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज़ सॉलिड. सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो नेक्स्ट इज़ द एनर्जी सोर्स. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी सोर्स चाहिए विच इज़ द कार्बन सोर्स. सो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल द बायोसिंथेसिस लीडिंग टू द रिप्रोडक्शन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंड सेल मेंटेनेंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स. कार्बन इज कंसिडर्ड एज अ मेन प्रोडक्ट ऑफ द फर्मेंटेशन प्रोसेस. इफ 60-70% ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट इज रॉ मटेरियल during single cell protein or ethanol production, then the product selling price will be indicated by the expense of the carbon source. So carbon source kya ho sakte hai, the first one is the carbohydrates, starch obtained from the cereals, potatoes, maize, which is easily available, can be used as a source of carbon, and it is used in the fermentation of the alcohols. It is the cheapest source of the carbohydrate is the molasses and used in the organic acid, amino acid, single cell protein and alcohol fermentation. Then fats and oils. Oils provide maximum energy per weight. Then sugars. So oils zyada energy provide karte as compared to the sugars. So oil possesses anti-foaming qualities also. So they may be used for increasing the content of the fatty acids in your product. Nitrogen sources. Next is nitrogen. Industrially used microorganism, they have the ability to use organic as well as inorganic means of nitrogen. Inorganic sources of nitrogen is supplied as ammonium salts, ammonia gas, nitrates. Inorganic substrates which can be used as a source of nitrogen include urea, ammonium salts, ammonia. Ammonia is also used to control the pH during the fermentation process. Then yeast extracts and peptone can also be used as the nitrogen sources in your fermentation media. Then we need the minerals. Essential minerals which are used in all the media formulation includes the potassium, sulfur, chlorine, phosphorus, magnesium, calcium. So in minute amount we need cobalt, manganese, zinc, iron, copper, molybdenum. The specific concentration of these elements depend upon the type of microorganisms. Then we need the chelators.
So metal precipitation is avoided by the addition of chelating agents. In large scale fermentation, chelating agents are not necessary. Some other ingredients like the yeast extract will play role of the formation of metal ion complexes. So EDTA is one of the chelators. It is capable of forming bonds with the magnesium and calcium ions. Thus, they are used in the soaps and detergents. Then growth factors can also be there in your fermentation media, like the amino acids, vitamins, sterols, fatty acids, etc. Then buffers kya karte hai, pH ko maintain karke rakhte hai. So pH has a great influence on the microbial growth, kyunki kuch aise microbes hote hai which are acidophiles, जो कि उनको एसिडिक कंडीशन चाहिए, एसिडिक पीएच चाहिए. कुछ अल्कलीफाइल्स होते हैं, उनको बेसिक पीएच चाहिए रहता है फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर देयर मेटाबॉलिज्म. सो पीएच जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है माइक्रोब्स की ग्रोथ को. सो पीएच ऑफ द ग्रोथ मीडिया कैन बी मेंटेन बाय एडिशन ऑफ द बफर्स, जिससे कि जो पीएच है वो चेंज नहीं होगा, फ्लक्चुएट नहीं होगा, वो ऑप्टिमम रहेगा. दैट इज 7. हमें ऑप्टिमम पीएच पे बेस्ट ग्रोथ होती है. अमोनिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज द बफर्स इन योर फर्मेंटेशन मीडिया. देन वी हैव द एडिशन ऑफ द मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स लाइक द प्रिकर्सर्स. मेनी प्रिकर्सर मॉलिक्यूल आर यूज्ड एज मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स दैट प्रमोट प्रोडक्ट यील्ड. सम ऑफ द केमिकल्स आर यूज्ड एज प्रिकर्सर्स एंड इंड्यूस्ड टू कल्टिवेशन प्रोसेस दैट इनकॉर्पोरेट इनटू प्रोडक्ट फॉर्म बाई द फर्मेंटेशन प्रोसेस. तो जो भी लाइक आपको प्रोडक्ट चाहिए रहता है उसके लिए हम प्रिकर्सर्स ऐड करते हैं. देन इनहिबिटर्स. ग्लिसरॉल प्रोडक्शन इज पॉसिबल आफ्टर द मॉडिफिकेशन ऑफ इथेनॉल बाई रिमूविंग द एसिटल एल्डिहाइड. एसिटल एल्डिहाइड इज फॉर्म एज द सोडियम बाइसल्फाइट इज एडेड टू द ब्रॉथ. एज एसिटल एल्डिहाइड इज रिप्लेस्ड बाई द डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट as it is no longer available for the reoxidation of NADH2, which is produced in the glycolysis product of this reaction is converted into the glycerol. Then we have the inducers in our medium. Inducers are the substrates which include the pectin for the pectinases, maltose for the pellulase, and starch for the amylases. Requirement of oxygen. ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो द मीडियम कैन अफेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन इन द फॉलोइंग वेज. द फर्स्ट इज द फास्ट मेटाबॉलिज्म. ऑक्सीजन डिमांड कैन बी ऑल्टर्ड बाई डिफरेंट न्यूट्रिशनल फैक्टर्स. ग्लूकोज इज हाईली यूटिलाइज बाई पेनिसिलियम क्राइसोजेनम एज कम्पेयर टू द लैक्टोज एंड सुक्रोज. So glucose has extremely precise uptake of oxygen when used as a chief source of carbon. So when limitation of oxygen is going on due to the rapid metabolism at that time, it may be minimized by reducing the concentration of the primary substrates and by addition of these substrates into the medium as a semi-continuous or continuous feeding throughout the process of fermentation. Then you can also add the anti-foaming agents in your media. So anti-foaming agents lowers the transfer rate of oxygen. Large volume of foam is produced by the microorganism in the fermentation vessel. Reduced rate of heat transfer, reduction in the working volume of the fermentation vessel, and deposition of the cells on the upper side of the fermenter is the result of the foam formation. The growth of contaminating microbes occurs as the air filter exists becomes wet. So anti-foaming is कि जो foam बनती है, अगर foam बनती है तो हमारे जो fermentation reaction होता है उसमें problem create हो सकती है, हमारा जो product बन रहा है उसका yield कम हो सकता है. So हम उसके अंदर anti-foaming agents को add कर सकते हैं ताकि जो foam formation है वो ना हो. So that's all for today. Thank you and have a good day.